मुझे अलॉय व्हील नहीं चाहिए था। बट जो एक कमी मुझे लगी वो ये है कि इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलती है। माइलेज की बात मत करिए प्लीज, यही गाड़ी हमेशा पहले निकलती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई मेरे पास है 11-12 लाख रुपए का बजट है और मुझे एक गाड़ी लेनी है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप मुझे यही XUV300 का W6 वेरिएंट सजेस्ट करेंगे, या फिर आप ब्रेजा सजेस्ट करेंगे, या फिर आप बलेनो का टॉप मॉडल सजेस्ट करेंगे? बट अगर मैं अभी आपको बोलूं कि भाई एक मैं आपको भारी भरकम गाड़ी दिखाता हूं, बड़ी सी गाड़ी, वो भी 11-12 लाख रुपए के बजट में, जो कि आपको 70% स्कॉर्पियो वाली मजा देगी और 20% थार वाली मजा देगी, तो क्या आप मानेंगे? और हाँ भाई, वो गाड़ी 7-सीटर भी है। फिलहाल अभी मैं आपको सेम गाड़ी दिखाने वाला हूँ और देखते हैं कि भाई वो गाड़ी कौन सी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी है जो भाई ये सारे पैकेज 11-12 लाख रुपए के बजट में पूरा करके दे रही है। तो आइए चलते हैं, गाड़ी को देखते हैं। तो गाड़ी जो है वो है महिंद्रा की तरफ से आने वाली बुलेरो नियो। अब भाई अभी बुलाते हैं इसके ओनर को और जानते हैं भाई उन्होंने इतना सही डिसीजन कैसे लिया, क्योंकि उन्होंने काफी गाड़ी देखा था। और ये फ्रंट से आप गाड़ी का लुक देख सकते हैं भाई, काफी ज्यादा मैसू लुक आता है। और यहाँ पे भी XUV300 है और ये बुलेरो की नियो है, तो आप देख सकते हैं भाई कितना ज्यादा फर्क है। ये गाड़ी आपको 15 लाख रुपए में मिलती है और ये गाड़ी 11-12 लाख रुपए के बजट में मिल जाती है। तो चलिए वेलकम करते हैं इसके ओनर को, जो कि भाई काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हैं और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है। तो आइए सर, आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा मेरी ऑडियंस को बताइए कि आप क्या करते हैं और आपका प्रोफेशन क्या है। मेरा नाम यशस्वी सिंह है और मैं एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन करता हूँ। मैं अलग अलग टॉपिक्स पे रिसर्च करता हूँ। अच्छा, हमारा ये काम है। आइए चलते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं। बिल्कुल, उधर साइड से आप आ जाइए ड्राइवर साइड पे। और गाड़ी का इंटीरियर भी आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा मतलब प्रीमियम सा फील होता है अगर आप अंदर बैठते हैं। तो सबसे पहले आप इस गाड़ी के बारे में बताइए कि ये कौन सी गाड़ी है और ये कौन सा वेरिएंट है। तो ये जो गाड़ी है ये महिंद्रा की है, बुलेरो नियो, जो कि TUV300 पहले आती थी, उसको मॉडिफाई करके, इसमें चेंजेस करके, उसमें जो कमियां थी उनको सुधार के बुलेरो निकाली गई है। बुलेरो नियो 2023 मॉडल है, नियो N8। ये N8 वेरिएंट है, इसके तीन वेरिएंट आते हैं, एक N4, N8, N6, N8 एंड N10। तो ये मैं हमारी N8 वेरिएंट है। ये आपने कब ली थी और ये कितने में ली थी? ये मैंने 5 मई को ली थी। अच्छा अच्छा, कितने किलोमीटर आप इसको चला चुके हैं? इसको मैं चला चुका हूँ 2028 किलोमीटर। तो 2028 किलोमीटर में अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है इससे? 2028 किलोमीटर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। अलग अलग रास्तों पे, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग वेदर कंडीशंस में मैंने इस गाड़ी को चलाया है। मैंने गांव में भी चलाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं खेत पे ही इस गाड़ी को खड़ा करके रखा हुआ हूँ। मैंने शहर में भी चलाया है, पहाड़ों पे हालांकि अभी नहीं ले गया हूँ, लेकिन हाँ गांव में और शहर में चलाने का एक्सपीरियंस इसका अच्छा खासा है। अभी तक मैं मतलब आपके डिसीजन को काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बोलता आया हूँ। जी जी। तो ये आपको एग्जैक्टली कितने में पड़ी ये गाड़ी? ये गाड़ी मुझको पड़ी थी 11 लाख रुपए की। 11 लाख रुपए में आजकल बलेनो आ रही है, तो आपको कैसा फील होता है इतनी बड़ी SUV लेकर? मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत आता है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये काफी एक्चुअली महिंद्रा की गाड़ी है, तो लोहा लाट गाड़ी है बिल्कुल। इसका अगर मैं आप बोनट उठाता हूँ तो काफी हैवी, प्लस इसकी हाइट अच्छी खासी ऊंचाई पे है, तो इसको जब मैं राइड करता हूँ तो करता हूँ तो एक अच्छी खासी कॉन्फिडेंस आता है और लगता है कि हाँ मैं कोई गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपने N8 को ही क्यों चुना? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ। मेरे पापा का कहना था कि N10 लो, बट मैं N8 पर ही स्टिक था कि नहीं मुझे लेनी है N8। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं N10 मैंने बुक की थी। अच्छा अच्छा। मैंने एक जगह N10 बुक की थी और हाँ। एक जगह पे N8 बुक की थी। अच्छा। मुझे अलॉय व्हील नहीं चाहिए था। अच्छा। लोगों का होता है कि उन्हें अलॉय व्हील चाहिए होता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं मेरा अलॉय व्हील्स का, ठीक है। तो एक मुझे चार फीचर एक्स्ट्रा मिल रहे थे N8 और N10 में, जो मेरा 1,17,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा महंगी पड़ रही थी। अच्छा, तो उन चार 1,17,000 को अगर मैं बताऊं कि क्या क्या चीज़ मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो मुझे अलॉय व्हील मिला था पहली बात, दूसरी बात मुझे यहाँ हैंडरेस्ट मिल रहा था, हालांकि वो मैं बाहर से भी लगवा सकता हूँ 1,000-2,000 रुपए में, तो एक वो फीचर मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा था, प्लस मुझे एक एक्स्ट्रा फीचर और मिल रहा था, वो हाइट एडजस्टेबल है। आपने आफ्टर मार्केट कुछ काम करवाए होंगे? बिल्कुल, आफ्टर मार्केट मैंने 40,000 रुपए के से 45,000 रुपए के आसपास आफ्टर मार्केट लगाया। बट उसको इस तरह आप देखिए, आप 11.5 लाख की कोई गाड़ी लेने वाले हैं, लेकिन आप गाड़ी 11 लाख की लीजिए और अपने मन पसंद अनुसार आप लगवाइए।
तो ये सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है वो ये डिस्प्ले दिख रहा है जी। इसकी जो एंटेन में डिस्प्ले आती है वो काफी ज्यादा मुझे लगता है कि इसके आधी भी नहीं होगी। बिल्कुल, इससे छोटी तो रिस्पांस काफी अच्छा है। फीचर्स इसमें क्या क्या मिल जाते हैं? फीचर ये पूरा एंड्रॉइड है, आपका यूट्यूब चल जाएगा, ये टी लिंक के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं आपका एंड्रॉइड ऑटो प्ले सिस्टम वगैरह जो भी है, स्पॉटिफाई है, म्यूजिक आप बजा सकते हैं, मैप आप चला सकते हैं। अच्छा, इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो चल जाता है? बिल्कुल चल जाता है। इसका जो एंटेन में आता है उसमें आई थिंक एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं, उसमें नहीं है, वो उससे 6.5 इंच का है, उसमें इवन बैक कैमरा भी नहीं है। तो ये दिक्कत है। कितने का पड़ा था मतलब ये कम? मुझे जो डिस्प्ले है वो मुझे पड़ी 11,500 रुपए की। ये जो इसका ये कंपार्टमेंट है, इसका जो ये सिस्टम है, कैनवस है, ये मुझे लगभग 11,500-1200 के आसपास पड़ा। अच्छा, प्लस इसमें मैंने कैमरा भी इंटीग्रेट कराया, बैक कैमरा। अच्छा, जो कि मुझे 2000 का, जो कि अच्छी क्वालिटी का है। तो ओवरऑल मुझे 14,500-15,000 में ये मेरा पूरा सेटअप विद कैमरा पड़ गया। एक बार रिवर्स गियर लगाकर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा का रिस्पॉन्स कैसा है? तो कैमरा की क्वालिटी जो महिंद्रा का कैमरा होता है उससे तो बेटर ही है। मुझे थोड़ा सा ब्राइटनेस का इशू अभी लगा था, और ब्राइटनेस शायद कम ज्यादा है यहाँ पर। इधर तो आपको इको मोड मिलता ही है, और एसी में भी इको मोड मिल जाता है, मतलब आपका जो माइलेज है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा अगर आप इको मोड पे एसी चला रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगती है, मोबाइल रखने का जगह नहीं है। ये मतलब इसी वेरिएंट में है या इससे ऊपर वाले वेरिएंट? इसी वेरिएंट में मोबाइल रखने का आपको ऑप्शन यहाँ पे आप रख सकते हैं, बट वहाँ पे मैंने भगवान जी को रखा हुआ है। आप ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि आपको इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा लगा? ठीक है, देखो परफॉर्मेंस का अगर मैं इसमें बताऊँ तो परफॉर्मेंस इसकी मुझे काफी अच्छी लगी। इसकी जो टॉर्क है वो काफी अच्छा है, 260 Nm टॉर्क मिलता है इसमें। पिकअप काफी अच्छा है इस गाड़ी का। और दूसरी इसकी खासियत बात ये है कि आप इसको विदाउट एक्सीलेटर चला, अगर मैं फिफ्थ गियर पे इसको लगा के छोड़ दूं और एक्सीलेटर से पैर हटा लेता हूं तो ये 50 की स्पीड पे विदाउट एक्सीलेटर चलती है। तो जो कोई नौसिखिया अगर ड्राइवर है उसको गाड़ी से सीखना है तो पहले दूसरे गियर पे भी वो विदाउट एक्सीलेटर करके भी सीख सकता है। और एक फायदा ये होता है कि जैसे आप कहीं जाम वाम में फंसे हुए हैं, आपको एक्सीलेटर नहीं दबाने की जरूरत पड़े। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। कभी कभार क्या होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं तो क्योंकि गाड़ी काफी बड़ी है, सामने से कोई और गाड़ी आती है तो एक होता है कि कौन पहले निकलेगा। तो यही गाड़ी हमेशा पहले निकलती है। अच्छा अच्छा, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुद निकालना चाह रहा हूँ, वो इसलिए सामने वाला चाहता है कि आप पहले निकलो। आप एक डेली ड्राइव को ले लीजिए या लॉन्ग ड्राइव को ले लीजिए, दोनों को कंसिडर करिएगा। ये गाड़ी का कम्फर्ट कैसा है? देखिए, गाड़ी का कंफर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है इस गाड़ी का। अगर मैं बात करूँ बैक सीट का, तो बैक सीट का कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है। मतलब बहुत अच्छा का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सीट को देखें तो ये सीट ऐसे है, देखिए जब आप इस पे बैठते हैं तो आपका जो ये रहता है ये ऐसे रहता है। और अगर आप मेरी हाइट आप देख सकते हैं अच्छी खासी है, और मेरे देखिए थाई सपोर्ट मुझे कितना मिल रहा है। इवन मेरा थोड़ा भी पैर आगे नहीं निकला हुआ है, पूरा पैर मेरा इसमें लगा हुआ है। सच बताऊं मुझे आगे से ज्यादा अच्छा पीछे बैठने लगता है। परफॉर्मेंस तो आपने बता दिया काफी ज्यादा अच्छा है। माइलेज कितना निकाल के देती है गाड़ी? माइलेज की बात मत करिए प्लीज। माइलेज की मैं बात करूं अगर, तो मैंने इसको 3 बार, अभी 2000 किलोमीटर चली है, लेकिन मैंने इसका 3 बार टैंक टू टैंक टेस्ट किया। पहली बार मैं बात करूं तो 300 किलोमीटर जब शुरुआत की 300 किलोमीटर चली थी तो मैंने टेस्ट किया था। तो उसमें क्या है, शुरुआत में नई नई गाड़ी आती है, नए नए लोग चलाकर उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि गाड़ी कैसी है, चल रही है। तो उस समय मेरा आया था 11.88। दूसरी बार मैं समय रायबरेली में हूँ, रायबरेली से इलाहाबाद गया 100 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, फिर वापस आया, फिर गया लखनऊ, फिर लखनऊ से वापस आया, तो मेरा एवरेज निकल के आया 15.18, अबव 15 था वो। फिर दोबारा लोकल में मैंने फिर रायबरेली में चलाया तो वो मेरा एवरेज निकल के आया 12.35। तो ओवरऑल जिसको एवरेज हम बोलते हैं, एवरेज हमारा 13 आया है। माइलेज को आप थोड़ा सा अगर कंप्रोमाइज करें तो गाड़ी दमदार है, आप सेफ होकर चलेंगे इस गाड़ी में। आइए गाड़ी को ड्राइव करते हैं और जो इसका मतलब मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करते हैं। भाई अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये बुलेरो नियो, और ये अभी आप रोड देख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा गाँव का है। तो अभी तक जो परफॉर्मेंस है भाई, वो मतलब इंजन में जो पावर है वो तो दिख जाता है यहाँ पे, क्योंकि मैं बिना एक्सीलेटर के लेके आया, इवन मुझे कई जगह ब्रेक भी लेना पड़ा। बट जो एक कमी मुझे लगी वो ये है कि इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलती है, तो जैसे स्कॉर्पियो में आती है, मतलब थोड़ा सा ये स्पोर्टी वाली फील, वो चीज़ इसमें आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप मतलब हाई स्पीड पे चल रहे हैं तब तो ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग काफी ज्यादा हेल्पफुल लगती है, बट ये गांव वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत करती है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है। अच्छा, महिंद्रा का डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपने वहाँ से गाड़ी लिया? डिलीवरी एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने 2 डीलर्स को आपस में भिड़ा दिया था, तो वो लड़ने लगे कि कौन पहला सस्ते में देगा कौन क्या है। तो एक लखनऊ के डीलर्स हैं, वहां से मैंने गाड़ी उठाई और उन्होंने फोन कर करके मुझे बुलाया कि सर आइए ले लीजिए, प्लीज हमारे यहाँ से ही लीजिए। मैंने कहा चलिए ठीक है, अमाउंट को डिसाइड किया और वो अमाउंट था 11 लाख रुपए। अच्छा, तो मैंने वहां से गाड़ी फिर उठा ली। अच्छा, 11 लाख रुपए को कंसीडर करते हुए ऐसा कोई फीचर हो आपको लगता है कि भाई ये सबसे ज्यादा अलग है?
अच्छा 11 लाख की रेंज में बताऊं, जो 11 लाख की रेंज में एक्चुअली मुझे इसमें TPMS मिलता है। अच्छा। जैसा कि आप देख सकते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। हाँ। तो इसमें देखिए आपका दिखा रहा है कि 31, 31, 33, 31 एंड इवन स्टेफनी का भी दिखा रहा है कि इसमें कितनी एयर है। अच्छा, जो स्पेयर व्हील है उसका भी दिखाता है। भी दिखाता है कि इसमें कितनी है। तो ये मुझे काफी कन्वीनियंस हो जाता है कि मैं इसको फॉलो करके अपना हवा भरवा सकता हूँ, चेक करवा सकता हूँ। दूसरा फीचर मैं बात करूँ, इसमें AC इको मोड है। ठीक है, तो ये फीचर हो गया। अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ पे विंडो के कंट्रोल यहाँ पे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा वो नहीं लगता क्योंकि आपकी मतलब आप हाँ, बता रहे हैं कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है क्योंकि मेरे पास डिजायर भी है और हाँ, यहाँ से है करने हाँ, हाँ, तो ये तो कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ तो हाँ पहुंचता है, फिर मन में आता है इस गाड़ी में तो यहाँ नहीं, यहाँ दिया हुआ है। आइए अब चलते हैं एक बार गाड़ी के बाहर और बाहर से बात करते हैं भाई। ठीक है, और क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है यहाँ? तो भाई गाड़ी की चाबी देखने में कुछ ऐसी है, ये फ्लिप की मिलती है और इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता है। और ये महिंद्रा की जो XUV300 है हमारे पास, उसकी भी चाबी सेम है। मतलब आप दोनों को अगर देखेंगे तो दोनों की चाबी सेम है और इसमें भी आपको फ्लिप की देखने को मिलता है। तो ये चाबी का डिज़ाइन जो है पता नहीं क्यों महिंद्रा सारी गाड़ियों का सेम ही रखता है। मतलब XUV700 लेंगे आप, स्कॉर्पियो एन लेंगे, सब में आपको सेम चाबी ये देखने को मिलती है। अभी अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फॉग लैंप नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको रिक्वायरमेंट अभी नहीं लगेगी फॉग लैंप होने की? अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि गर्मी का मौसम है, धूप काफी ज्यादा है। ठंडी में अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर लगवाया जाएगा। ये हैलोजन का सेटअप मिलता है, ये कैसा लगता है इसका? मुझे तो एनफ लगा, मुझे कम ऐसा नहीं लगता कि ये इसमें खड़ा कम पड़ रहा है। मुझे इसकी जरूरत अलग से मुझे बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, स्टील रिम्स मिलते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि अलॉय व्हील्स लगवा लिया जाए? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ और इसका मुझे अलॉय व्हील तो नहीं मिलता, लेकिन ये जो मिलता है ये भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि खराब लगता है। इसलिए मुझे मैंने नेट वेरिएंट को चुना क्योंकि मुझे अलॉय व्हील नहीं चाहिए था, मुझे 1 लाख रुपए बचाने। ये तो आपने बाद में ही लगवाया होगा आफ्टर मार्केट। चलो इसकी एक अलग वीडियो हम लोग बना लेंगे। ये जो आपने बंपर है ये भी बाहर से ही लगवाया होगा? बाहर से लगा हुआ है। अच्छा, आपने मतलब शोरूम से ये काम क्यों नहीं करवाया? शोरूम में महंगा पड़ता है इसलिए मैंने शोरूम से नहीं करवाया और मुझे बाहर मेरे मन पसंद अनुसार चीजें मिल गई। क्योंकि शोरूम पर क्या क्या था कि ये जो है ये शोरूम का ये ऊपर नीचे होता है। अच्छा अच्छा, ये था मुझे चाहिए था, इसके बराबर होना चाहिए। मेरा क्या है, मैं फोटोशॉप भी चलाता हूँ तो मैं सिमेट्री वाला आदमी, मुझे हर चीज वेल बैलेंस्ड चाहिए। तो इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो हर चीज एकदम परफेक्ट लगेगा, आगे पीछे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैंने बाहर से लगवाना ही प्रेफर किया। शोरूम वालों ने ऐसा कोई मतलब फोर्स नहीं किया आपको कि भाई लगवाना ही पड़ेगा तभी गाड़ी मिलेगी? एक्चुअली क्या फोर्स वो नहीं करेंगे, मैं कर सकता हूँ क्योंकि इसलिए क्योंकि मैंने दो लोग को ऑलरेडी भिड़ा रखा था तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा था कि वो मुझे फोर्स करें कि आप एक्सेसरी लो तभी हम आपको गाड़ी देंगे, ऐसा कुछ सिनेरियो ही नहीं था। मैंने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। अच्छा अच्छा, देता। हाँ हाँ, एक बार ये देखिए, तो ये 7 सीटर आपने लिया मतलब कंसीडर किया? जी जी। तो 7 सीटर का आप प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज बताऊं, मैं इसको एज ए 7 सीटर समझता ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं इसको 5+2 समझता हूँ। 5+2 का मतलब ये है कि आपको 5 लोग की गाड़ी है ये, 2 लोग अगर आपको एक्स्ट्रा कभी जरूरत पड़ गई तो आप बैठा सकते हो। अच्छा, बूट स्पेस ओवरऑल आपको कम नहीं लगता इस गाड़ी में? बूट स्पेस कम नहीं लगता क्योंकि इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है, अगर मैं सामान भरता हूँ तो यहाँ तक ही भर पाता है, भर ही नहीं पाता, इतना सामान ही नहीं होता कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा बूट स्पेस। मैं आपको गाड़ी का ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ ये साइड से और फ्रंट से। तो गाड़ी के लुक्स में आपको ऐसा कुछ लगता है भाई ये थोड़ा सा मतलब सुधार सकते थे महिंद्रा, या सुधार सकते थे? ठीक ठाक। आपने 70% वाली बात बोली थी, 70% आपको नहीं लग रहा है 70% फीलिंग? हाँ, 20% फीलिंग अभी आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपको यहाँ खेत से लेके जाएंगे आपको थार वाली फीलिंग देगा। अगला जो क्वेश्चन है वो इस गाड़ी के पॉजिटिव्स जो आपको लगता है भाई? देखिए, मैं जो पॉजिटिव्स बताऊंगा वो मैं काफी चीजों को ध्यान में रख के बताऊंगा। ठीक है, मैं 11 लाख को भी ध्यान में रखूंगा, गाड़ी को का टाइप भी ध्यान में रखूंगा, तो मैं ओवरऑल हर चीज को ध्यान में रख के बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ किसी एक चीज को ध्यान में रख के बताऊं, तो ओवरऑल मैं सबसे पहले बताता हूं पॉजिटिव्स इसका। पहला चीज है इसका जो है लुक, अगर आप देखें तो 70% ये आपको स्कॉर्पियो वाली फीलिंग देती है। इसका फीलिंग ये है कि थोड़ा सा ऊंची, थोड़ा भलकीली, थोड़ा एग्रेसिव वाली गाड़ी इसका लुक है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में आपसे पूछना भूल गया। हाँ जी। आपने ब्लैक कलर ही क्यों कंसीडर की? देखिए, ब्लैक कलर क्या है, अगर आपको इतनी इस तरह की ऊंची गाड़ी लेनी है तो फिर ब्लैक ही अच्छी लगती है। हाँ। और ये जो खासकर मॉडल है बुलेरो नियो, इसके 3-4 वेरियंट आते हैं, ब्लैक, रेड, व्हाइट। व्हाइट का है, व्हाइट पुलिस यूज करती है, रेड जो है वो थोड़ा फैमिली वाली गाड़ी है, ब्लैक जो है थोड़ा भाईगिरी वाली गाड़ी है। तो मुझे लगा कि भाईगिरी ही थोड़ा किया जाए, शकल तो मेरी सीधी सादी है, बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ, कम से कम गाड़ी ही थोड़ा भड़कीली होनी चाहिए। एक ब्लैक तो आपके पास है ही है, तो ये हुआ कि चलो दोनों गाड़ियां ब्लैक हो जाएंगी तो ब्लैक गाड़ी लिया जाए। TPMS इसमें दिया हुआ है, इसमें कितनी एयर है वो आपको पता चल सकता है अंदर बैठे बैठे, आपको चेक करवाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बड़ा सा बूट स्पेस मिलता है यहाँ पर, काफी सारा सामान आप भरकर इसमें ले जा सकते हैं। प्लस
पॉस्टर्स मैं आपको और बताता हूँ। इसकी सीट जैसे मैंने बताया, मेरा फुल थाई सपोर्ट मिल रहा है मुझको। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आप यहीं बैठे बैठे आगे भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये देखिए इसका, आप ये देखिए कितना प्रीमियम लगता है इसका। हाँ, ये चीज तो है। ये आपने स्टिचिंग जो है बाद में करवाई थी इसके ऊपर? स्टिचिंग बाद में करवाई है। अच्छा, स्टिचिंग बाद में करवाई है। ये था ओवरऑल मतलब पॉजिटिव। जी जी। अब बात करते हैं निगेटिव्स के बारे में। अच्छा। इस गाड़ी के निगेटिव्स क्या क्या है आपको जो लगता है? अच्छा, निगेटिव्स का मुझे जो लगता है, पहला निगेटिव क्या है कि थोड़ा बड़ी ज्यादा है ये। अगर आपके पास कोई छोटी गाड़ी घर में है तब आप इस गाड़ी को ले सकते हैं ना, आपके लिए अच्छी रहेगी। और क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी कि थोड़ा ज्यादा बड़ी है, और एक मीडियम क्वालिटी मीडियम हाइट की और गाड़ी एक होनी चाहिए। हालांकि ये निगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसा मन में फीलिंग आता है। डेली ड्राइव के लिए गाड़ी थोड़ा नहीं है निगेटिव। इसमें एक और मैं दो तीन बताना चाहूंगा, यहाँ पर लाइट दिया हुआ है। ये लाइट अगर पीछे भी दे देते तो अच्छा रहता, पीछे हालांकि नहीं दिया गया है। आपको कोई भी रीडिंग लैंप्स नहीं मिलता, पीछे नहीं यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा चीज एक और जो मैं बताना चाहूंगा निगेटिव लगता है, यहाँ पे अगर वो एसी वेंट्स दे देते पीछे वाले के लिए तो एक अच्छा रहता। इसका जो फैन स्पीड है बहुत तेज है, वो सीधे पीछे हवा फेंकता है, आगे वाला तो एकदम बर्फ बन जाता है। जो आगे बैठता है वो बर्फ बन जाता है, पीछे वाले को हवा ठीक ठीक धीरे धीरे पहुंचते रहते। अच्छा, एक निगेटिव जो मैं बाहर आपको आके दिखाता हूँ, हालांकि ये निगेटिव नहीं है लेकिन होता तो बेहतर होता। हाँ। इसमें क्या है, फ्रंट सेंसर नहीं दिए हुए हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन आप ध्यान रखिए गाड़ी आप कितने की ले रहे हैं। हाँ। फ्रंट सेंसर नहीं है, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए मैंने यहाँ पे कैमरा लगवाने का कोशिश किया। हाँ हाँ। और जो डिस्प्ले है उससे इंटीग्रेट करने का कोशिश किया, जिसमें मेरे 2 घंटे वेस्ट हुए, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अच्छा, तो या तो आप बैक कैमरा ही चला लीजिए या तो फ्रंट कैमरा ही चला लीजिए। अच्छा। फ्रंट हो रहा था कनेक्ट, लेकिन वो बहुत ही कभी काम कर रहा था कभी नहीं काम कर रहा था, मैंने फ्रंट कैमरा हटवा दिया यहाँ से। यहाँ की बात करूँ, हाँ एक शिकायत मुझे लग सकती है अगर ध्यान ना दिया जाए तो। हाँ। इसके जो दरवाजे हैं वो ऐसे तिरछे गए हुए हैं, सभी गाड़ियों में ऐसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा तिरछे है। अच्छा, तो अगर आप ऐसे खोलते हैं तो आपके मुंह में लग सकता है, ऊंची भी है तो आप पीछे होकर आपको इसको खोलना पड़ता है। बाकी तो मुझे इसमें कुछ ज्यादा कमी नहीं महसूस हो रही है अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, ये ORMs के कंट्रोल यहाँ पे मिलते हैं। हाँ, आपको ये थोड़ा सा नहीं लगता? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, सच बताऊं बिल्कुल मुझे नहीं लगता। अच्छा, मुझे इसके बिल्कुल कमी महसूस नहीं होती। नहीं, अगर एक बार इसको आप सेट कर दीजिए। हाँ हाँ, ये चीज एक बार आप अगर सेट कर दीजिए और फिर आपको इसको बार बार छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये था भाई पॉजिटिव्स और निगेटिव्स। अब ओवरऑल जो मतलब आपका एक्सपीरियंस है अभी तक का, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं इस गाड़ी को? मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, लेकिन शर्तों पे। पहली शर्त, आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 5+2। हाँ, आपको जरूरत भी है 5+2 गाड़ी की, या आपका 5 सीटर से काम चल जा रहा है। अगर रिक्वायरमेंट है 7 सीटर का तो आप अर्टिगा देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, और भी गाड़ियां 7 सीटर में आती हैं उनको भी आप देख सकते हैं। अच्छा। तो पहली ये रिकमेंडेशन है। हाँ। दूसरी, अगर आपको अलॉय व्हील वाली गाड़ी चाहिए तो आप इसका ले सकते हो N10 वेरियंट। लेकिन मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा, N10 का जो अलॉय व्हील था वो मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। हाँ, वो तो है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अलॉय व्हील वो लग ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि यार मैं 1,17,000 दे रहा हूँ, मुझे अलॉय व्हील मेरे पसंद का भी नहीं मिल रहा है, मुझे स्पॉइलर मेरी पसंद का नहीं मिल रहा है, उसमें स्पॉइलर बहुत ही छोटा सा था। हाँ। तो मुझे लगा यार पैसे मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बाद में मुझे अगर चेंज भी कराना पड़ेगा तो फिर मेरा 50,000 रुपये लगेगा। हाँ। तो क्या मतलब है, इससे अच्छा आप एनेट लीजिए, बाद में अपना मनपसंद अनुसार लगवा लीजिए अपना अलॉय व्हील, और बाकी जो भी काम आपको कराना है वो करा सकते। तो ये चीज़ें, इन शर्तों पर आप ये गाड़ी को ले सकते हैं, आपको बहुत ही मजा आएगा चलाने में। एक बार आप इस गाड़ी को चला लेंगे तो शायद ही इतनी ऊंची गाड़ी में शायद ही कोई आप और गाड़ी बैठना पसंद करेंगे। इस हाइट की गाड़ी पे आप बैठ गए तो फिर आपको और गाड़ी जैसे डिजायर है उस पर आपको बैठने का मन ही नहीं करेगा, लगता जमीन में बैठे हुए हैं। हाँ। तो एक वो फीलिंग आती है, उसको चलाने का थोड़ा सा एक अलग मजा ही है वो, जो कि आप जब चलाएंगे तभी आप फील कर पाएंगे। तो ओवरऑल अभी तक आप सेटिस्फाइड हैं इस कार? मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा महिंद्रा की, जब आप भी गाड़ी लें तो बहुत ही आपको सिनास करके PDI करके ही गाड़ी लीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि गाड़ी में कुछ डिफॉल्ट हो सकता है, कुछ भी दिक्कत होती है। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, हमने 2 घंटे इस गाड़ी को PDI के 2 घंटे। तो ये चीज आपको महिंद्रा एंड टाटा में थोड़ा ध्यान रखने का जरूरत पड़ती है, कभी कभार स्क्रैच होता है, कभी कभार चली गाड़ी दे देते हैं, कभी कभार कुछ पार्ट टूट जाता है, गाड़ी लाने में टूट गए, शीशा टूट गया तो बाद में चेंज कर देते हैं। तो आप PDI का कुछ फॉर्मेट होता है वो आप चीज का ध्यान रखकर इस गाड़ी को उठा सकते हैं।